नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जीत। फाइनली दोस्तों, यहां पे जो है बिहार पुलिस के तरफ से यहां पे कांस्टेबल के पोस्ट पे टोटल यहां पे 21,391 वैकेंसी निकल के, यानी कि पोस्ट निकल के आ चुका है। और ये सिर्फ 12वीं पास है, यानी कि 12वीं पास जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो है ऑनलाइन का डेट वगैरह सब कुछ जारी कर दिया गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कब से कब तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, साथ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आवेदन का प्रोसेस है, यानी कि बहुत सारा जानकारी है। टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन 15 पेज में है और जस्ट आज ही रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं सिपाही के पोस्ट पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आगे से आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी जानकारी के लिए आपको डायरेक्ट गूगल में आना है और गूगल में सर्च कीजिएगा biharhelp.in। जैसे सर्च करेंगे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आर्टिकल ओपन हो जाएगा, बाद में आर्टिकल ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। जैसे आएंगे दोस्तों तो ये जो वैकेंसी है बिहार के अलावा जो है अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है इसके लिए इलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, और टोटल ये कांस्टेबल यानी कि सिपाही के पोस्ट पर ये वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी हमने आपको बता ही दिया कि 21,391 है। और ये जो आवेदन है अगर एज की बात करें तो 18 वर्ष प्लस है आप, तो आवेदन कर सकते हैं। और ओनली 12वीं पास क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होगा। और ऑनलाइन आवेदन जो है 20 जून से लेके आप जो है 20 जुलाई के बीच में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे डेट रिलीज कर दिया गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये सारा जानकारी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्त पद के बारे में बताया गया है। जैसे आपको यहाँ पे कोटी वार वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जैसे कौन से पोस्ट जो है कौन से जो कैटेगरी है उसके लिए है। तो जैसे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 8556 पद है, वही दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140 पद है, अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 3400 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे 3842 पोस्ट है। बात कर ले यहाँ पे पिछड़ा वर्ग तो उसके लिए यहाँ पे 2570 पोस्ट है, और इसी में 56 जो है ट्रांसजेंडर के लिए भी रखा गया है। वही है यहाँ पे बात कर ले पिछड़ा वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 655 पोस्ट है। कुल मिला के यहाँ पे 21,391 है, जिसमें यहाँ पे महिला के लिए भी है, दोनों आवेदन कर सकते हैं जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम बात कर ले कितना पैसा आपको लगने वाला है, तो यहाँ पे यूआर यानी कि जनरल ओबीसी और ईबीसी, उसके बाद दोस्तों अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 675 रुपया लगेगा। वही हम बात कर ले एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 180 रुपया ही लगेगा। यही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे आवेदन करने में आपको 10वीं 12वीं का जो प्रमाण पत्र रहता है वो लगेगा, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, फोटो, ये सब आधार कार्ड, ये सब आपका लगने वाला है। नीचे आएंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक है टू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे, जो यहाँ पे सीएसबीसी जो ऑफिशियल पोर्टल है बोर्ड का, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा जानकारी शेयर किया गया है। ऐसे हम कुछ पॉइंट बता देते हैं, ऐसे आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफी लंबा है। यहाँ पे हम बात कर ले सबसे पहले सिपाही का जो पोस्ट है पद, यहाँ पे इसमें वेतन मान की बात करें तो 21,700 लेके यहाँ पे 69,100 रुपया के बीच में यहाँ पे वेतन होने वाला है लेवल 3 के अंतर्गत। वही नीचे यहाँ पे हम और भी जानकारी की बात कर ले, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नियमावली वगैरह पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे आपका लिखित परीक्षा भी, अगर आपका 30% से कम अगर आपका नंबर आता है तो आप जो है शारीरिक परीक्षा के लिए जो है यानी कि फिजिकल के लिए नहीं जा पाएंगे, आपको 30% से ज्यादा आएगा तभी आप जा पाएंगे। तो इसी आधार पर जो है मेगा सूची तैयार होता है, तो यहाँ सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए शारीरिक पात्रता भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट खाली पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी मापदंड वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको सीना हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके। नियुक्ति की प्रक्रिया है तो ये सब लिखित परीक्षा प्रथम चरण में होगा, तो ये सब आप देख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकेंड में यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि सिलेबस क्या आपका होने वाला है, तो यहाँ पे हम सारा जानकारी आपको बता दिए। और यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ पॉइंट, आप अपने अनुसार यहाँ पे आरक्षण वगैरह भी देख सकते हैं किसको कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो ये सब जानकारी है जो यहाँ पे बताया गया है कि पिछला बार का कटअप भी आप देख सकते हैं।
आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन जैसे शुरू होगा तो हम आपको उस दिन भी ग्रुप में अपडेट कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तत्काल में दोस्तों आप जो है सारा डॉक्यूमेंट वगैरह व्यवस्था कर लीजिए, जैसे रिसेंट का फोटो होना चाहिए अपलोड करने के लिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर है एक्टिव होना चाहिए जिसपे मैसेज वगैरह आ सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।